थ्री देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी हुज एंथ टर्म इज, यहाँ पे दिया हुआ है एपी का एंथ टर्म दिया हुआ है 5 माइनस का 6 एन, और इसका सम ऑफ एन टर्म निकालना है। तो अगर हम लोग इसके फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5 माइनस का 6 इन टू में 1, तो 5 माइनस 6 माइनस का 1 आ जाएगा। अगर हम लोग इसके सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो 5 माइनस 6 इन टू में 2, तो आ जाएगा 5 माइनस का 12, कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस डी की बात करें, तो यह ए टू माइनस ए वन होता है ना जी, तो माइनस का 7 माइनस माइनस 1, तो यहाँ माइनस 7 प्लस का 1 यानी माइनस का 6 आ जाएगा। तो अगर हमें यहाँ सम ऑफ एन टर्म निकालना है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं एन बाई टू इन टू में 2a प्लस का n माइनस 1 इन टू में d, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n बाई टू इन टू में 2a a के प्लेस पे यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस n माइनस 1 इन टू में d के प्लेस पे यहाँ माइनस का 6। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, n बाई टू अंदर हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 6 n प्लस का 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका n बाई टू प्लस 4 माइनस का 6 n, प्लस का 4 हो जाएगा माइनस 6 n, 2 कॉमन कर लेते हैं 2 से 2 या इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, तो 2 माइनस का 3 n हो जाएगा n इन टू में, ठीक है, यही ना आपका आंसर हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या